सो हेलो गेमर्स, मैं हूं आपका भाई बसंत रे। सो गाइस, आज हम फिर से न्यू स्कारफॉल गेम प्ले वीडियो लेके आ चुके हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, मैं यहां पॉल चर्च के पास लैंड करता हूं और लैंड करने के बाद मैं इस घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अंत में चला जाता हूं और इस घर में इधर उधर ढूंढता हूं कि मुझे गन उन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तो मैं अगला घर में जाता हूं और यहां पर मुझे थोड़ा बहुत लूट मिलता है और मुझे एक गन भी मिल जाता है। और इस घर में फिर से इधर उधर कर रहा हूँ कि और चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तो मैं इस घर से जंप लगाकर आए की ओर जाता हूँ और आए की ओर जाने के बाद मुझे यहाँ पर एनिमी का साउंड थोड़ा सुनाई देता रहता है। तो मैं उससे और मुझ पर वो रस भी करता है और मुझे दिखाई भी देता है और मैं इसे फिनिश भी कर देता हूँ। तो गाइज, मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेम प्ले खेलने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी रोमांचक मुकाबला है और इसी के साथ हमारा 2 किल हो चुका है और आगे भी आपको अच्छे अच्छे क्लच देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरह वीडियो को बने रहिए। और यहाँ पर मैं फिर से आए की ओर यहाँ पर एनिमी को देख रहा हूँ और मैं उसे देख लिया और मैं यहाँ पर इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बट ये नहीं मरता रहता है। लेकिन मैं इस पर फिर भी रश करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं फाइनली इसको फिनिश कर देता हूँ। और इसको फिनिश करने के बाद मैं फिर से वही अपने चार ढाल में आकर यहाँ पर मैं इधर उधर कर रहा हूँ कि एनिमी मिले तो मैं उसको ऊपर भेज दूँ। और यहाँ पर तभी मुझे एक पीछे से रस कर रहा था और वो बंदा डिंग की चिका कर रहा था, तो मैं उसे डिंग की चिका करके ऊपर जाने दिया। और मैं यहाँ फिर से गन रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस लूट बॉक्स के पास आता हूँ और यहाँ थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, नहीं लूट करूँगा तो कैसे काम चलने वाला है। और यहाँ पर एक बंदा और डिंग की चिका कर रहा था। सो जा मुन्ना, सो जा वरना बाबा जी आ जाएगा। अरे मुन्ना, सो जा वरना स्कारफॉल आ जाएगा। अरे मुन्ना। और इसी के साथ हमारा किल हो चुका है 5 और यहाँ थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ। तभी मेरे पास एक दोस्त भी मेरा आ जाता है और हम दोनों अब मिल के यहाँ पर खेलने वाले हैं क्योंकि हमारा दोस्त भी डेंजर मुकाबला खेल रहा है और हम भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर इधर उधर जिगल तिगल मैं कर रहा हूँ और आए की ओर बढ़ रहा हूँ कि एनिमी कहाँ है, जहाँ मिलेगा वहीं पटक के रेल देंगे उसको हम। और मैं फिर से आए की ओर बढ़ रहा हूँ कि कहाँ पर एनिमी है क्योंकि मैं इस मैच को विक्टोरी करना चाह रहा हूँ और विक्टोरी होऊंगा भी क्योंकि मैं इस गेम प्ले को काफ़ी ख़तरनाक बनाया है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए। और यहाँ पर एक बंदी रहती है, यह भी डिंग की चिका करती रहती है, बट उसे मेरा दोस्त जो है ऊपर जाने देता है बाउंड्री लाइन के बाहर। और मैं यहाँ भी आता हूँ और यहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे गन की कमी थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा लूट कर लिया। तभी मुझ पर कोई बंदा पीछे से अटैक कर रहा है। अरे वो भाई, कहाँ से अटैक कर रहे हो भाई, इधर तो आजा, इधर आजा। और वो बंदा मेरे पास आ जाता है बट उसे भी मेरे दोस्त ने मार दिया। और मैं फिर से एनिमी को ढूंढने के लिए इधर उधर कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो मैं उसे मारूँगा, लेकिन वो बंदा आ ही नहीं रहा है। लेकिन आएगा ज़रूर भाई लोग, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं फिर से आ के और यहाँ पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तभी मुझे एक बंदा यहाँ पर दिखाई देता है और मैं उस पर रस करने की कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा बहुत चलाक रहता है, लेकिन अंत तक मैं इसे ऊपर जाने देता हूँ हवा में। तो गाइज, आप लोग स्कारफॉल मोबाइल को इस तरह बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि इसमें मेजर अपडेट आने वाला है और मेजर अपडेट आने के बाद यह गेम काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। और यह गेम हमारे देश इंडिया का है, इंडियन बैटल रॉयल गेम है और यह इंडियन बैटल रॉयल धूम मचाएगा धूम। इसीलिए इसको चारों ओर शेयर कीजिए और साथ में मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से मेरा वीडियो पर भी व्यू भी आएगा और इस गेम का डाउनलोडर्स भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग इस गेम प्ले को चारों ओर फैला दीजिए और चारों ओर इस गेम प्ले का नाम रोशन कर दीजिए ताकि हमारे इंडिया का भी बैटल रॉयल गेम फ्री फायर और पबजी की तरह एक नाम बना सके और आए की ओर अपना लक्ष्य बना सके और पॉपुलर हो सके। तो गाइज, अब गेम प्ले की ओर आते हैं और इस गेम प्ले में मैंने टोटल 16 किल किया है। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने के लिए, इसीलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए क्योंकि गेम प्ले बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए और अंत तक देखिए। और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर दो बंदे आपस में थर्ड लड़ता रहता है तो मैं इस पर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर एक को जाने देता हूँ ऊपर की ओर। तभी मुझे दूसरा बंदा भी इधर उधर कर रहा था तो मैं दूसरा बंदा को भी मैं इसको मारूँगा और ऊपर की ओर भेजूंगा और भेज भी दिया। और मैं फिर से गन को रिलोड करता हूं, तभी एक और बंदी आ जाती है तो मैं इस बंदी को
मारने की कोशिश करता हूँ और इसको ऊपर की ओर भेज देता हूँ। सो जा मुन्ना, सो जा रे मुन्ना, वरना बाबा जी आ जाएगा रे मुन्ना। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका। यहाँ पर मैं डिंग चिका करते करते ऊपर की ओर आ गया और यहाँ पर मुझे गन की ज़रूरत थी तो मैं यहाँ पर गन ले लेता हूँ और इससे जंप लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर विंडो नहीं रहता है और इसके पास एक और विंडो इधर रहता है तो मैं इस विंडो के सहारे जंप लगा कर नीचे की ओर आ जाता हूँ। और नीचे की ओर आता हूँ तो मेरा दोस्त भी सबको बैंड बजा दिया रहता है ढिंकी चिका करके, क्योंकि वह भी खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि वह सभी को कह रहा है सो जा मुन्ना सो जा वरना बाबा जी आ जाएगा रे मुन्ना, बाबा जी आ जाएगा। और यहाँ पर बाबा जी की तरह मैंने इसको ऊपर की ओर जाने दिया, हवाई जहाज घोड़े की तरह ऊपर रेल दिया इसको और मैं इसको भी पटक के रेल दिया। और आगे भी यहाँ पर काफ़ी मस्त मुकाबला चलने वाला है, इसीलिए आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर मैं आगे की ओर इधर उधर कर रहा हूँ तभी एक बंदा और डिंकी चिका कर रहा था तो मैंने उसको डिंकी चिका करके ऊपर बैंड बजा दिया। और यहाँ पर मैं गन रिलोड करता हूँ और गन को एक्सचेंज भी कर लेता हूँ और आगे की ओर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास गन की कमी हो जाती है। तो मैं इस घर के पास आता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है, तो मैं इसी से अब काम चलाऊँगा। और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ कि कुछ ऊपर की ओर भी मिल जाए ले। और यहाँ पर एक गन पड़ा रहता है लेकिन मैं उसे नहीं लेता हूँ क्योंकि वो काम के नहीं रहता है, इसीलिए मैं फिर से जंप लगा कर नीचे की ओर आता हूँ। और यहाँ एक बंदा इधर उधर डिंकी चिका कर रहा था और मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा पूरा गन ख़त्म हो जाता है। और गन ख़त्म हो जाता है तो मैं इससे भागता हूँ, क्योंकि नहीं भागूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और यहाँ पर आने के बाद मुझे गन भी मिल जाता है और काफ़ी आइटम्स भी मिल जाता है जो गन के लिए ज़रूरी होता है। और मैं फिर से आगे की ओर जाता हूँ, तभी मेरा दोस्त मर गया रहता है कोई कारण से पता नहीं। तो मैं इस मैच में अब अकेले ही मुकाबला करने वाला हूँ। तो गाइज इसके नाम पर आप लोग एक लाइक भी ठोक दीजिएगा, क्योंकि मैं अकेले अब मैच को जीतने वाला हूँ और मेहनत करने वाला हूँ, अकेले गेम प्ले करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक ठोक दीजिए इसी के नाम पर। और यहाँ पर मैंने इसको ऊपर की ओर जाने दिया और यहाँ पर एक और आया रहता है, मार रे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ इसको, खोपड़ी तोड़। अरे जज्बात बदल दी, वक्त बदल दी, वक्त जज्बात बदल दी, मारो मुझे, मारो 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 मारो। डिंकी चिका डिंकी चिका डिंकी चिका डिंकी चिका। और यहाँ पर एक घर आता है तो मैं इसके अंदर गया और जाने के बाद मैं इस घर से थोड़ा लूट करता हूँ। और यहाँ पर एक विंडो रहता है तो इस विंडो के सहारे मैं जंप लगाता हूँ और जंप लगाने के बाद यहाँ पर मेरा किलो हो चुका है 16। और 16 होने के बाद मैं इस घर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ थोड़ा मेडिकिट मारता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ का की ज़रूरत थी, मुझे काफ़ी डैमेज पड़ चुका है इसलिए मैं यहाँ हेल्थ ले रहा हूँ और गन को भी रिलोड कर रहा हूँ। और मैं पूरी तरह से अब फिट हो चुका हूँ और मैं फिर से मैदान में जा रहा हूँ मुकाबला करने के लिए और मुझे अकेले ही इस मैच को विक्टोरी करना है। तो गाइज आप लोग चिंता मत लीजिएगा, मैंने इस मैच को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जीता है, क्योंकि किल भी हमारा होगा, विक्टोरी भी हमारा होगा और ये गेम प्ले का पूरा गेम भी हमारा होगा। तो आप लोग इंटरेस्टिंग के साथ देखते रहिए कैसे मैं इस मैच को जीता हूँ। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरी अंत तक देखते जाइए। और मैं यहाँ पर फिर से आए की ओर जा रहा हूँ स्पाइडरमैन की तरह। यहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ रहे थे तो मैं इस पर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसका लक अच्छा रहता है तो बच जाता है, नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर इस घर के किनारे से जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जोन शायद आ रहा है, हाँ जोन भी आ चुका है। तो मैं इस बोर्ड के सहारे अब इस स्नो बोर्ड को चालू करके और यहाँ से भागूंगा। यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा हो चुका है और मैं इस गाड़ी को आगे ओर बढ़ा रहा हूँ और स्पाइडरमैन की तरह ऊपर की ओर यहाँ पर ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा गाड़ी स्लो हो जाता है लेकिन टिकट लेने की बात नहीं है, फिर भी मैं धीरे 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 मैं चला रहा हूँ और यहाँ पर बूस्ट मिलता है तभी मैं इस गाड़ी को आगे की ओर स्पीड की तरह जा रहा हूँ और स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्पीड भी बढ़ जाता है। और स्पीड बढ़ने के बाद मैं एकदम डेंजर क्रिस की तरह मैं इस गाड़ी को एकदम बूस्ट कर लेता हूँ और स्पीड भी बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। देखिए गाइज माउंटेन का कितना मज़ा आ रहा है इस गाड़ी में सफ़र करते हुए, काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है चलाने में। लेकिन यहाँ पर रेड जोन बन जाता है जिसके कारण यहाँ पर आग गिरने लगता है यहाँ पर, तो मुझे बचने के लिए इस घर के अंदर जाना पड़ता है। और मैं इस घर के अंदर जाकर सीढ़ी के सहारे ऊपर की ओर आता हूँ
और ऊपर की ओर आने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बैठता हूँ और जोन को चेक करता हूँ, और जोन चेक करने के बाद मैं यहाँ पर इधर उधर कर रहा हूँ और इनेमी को भी देख रहा हूँ कि कहाँ पर है इनेमी, इसलिए मैं इधर इधर कर रहा हूँ और मैं इस घर के पास आ जाता हूँ ऊपर में ही, और मैं यहाँ थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ, और लूट करने के बाद मैं यहाँ पर एक बम को फेंकता हूँ कहीं इनेमी आ जाए, और मैं फिर से यहाँ पर इस विंडो के सहारे इधर भी मैं बम एक फेंकूँगा, और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर बम फेंक रहा हूँ, और लेकिन बम नहीं था, यह स्मोक था और स्मोक कर दिया मैंने, और स्मोक करने के बाद मैं फिर से इनेमी को देख रहा हूँ कि इनेमी आ रहा है कि नहीं, लेकिन इनेमी तो नहीं आ रहा था, लेकिन अंत में यहाँ पर एक इनेमी आया और मैं इसे बम से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बम वेस्ट चला जाता है क्योंकि वो निशाना नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर से एक बम को और यहाँ पर हाथ में लेता हूँ, और यहाँ पर लेने के बाद मैं फिर से इनेमी को देख रहा हूँ, वहाँ दो बंदे आपस में लड़ रहे थे तो मैं इस पर फेंक देता हूँ, अभी एक इनेमी बम से मर जाता है, और मरने के बाद मैं यहाँ पर इनेमी को देख रहा हूँ और स्कोप ऑन करने की मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तभी जोन चला आता है, जोन आने के बाद मैं यहाँ पर रफू चक्कर हो जाऊँगा क्योंकि जोन से बचना है, इसीलिए यहाँ पर दो इनेमी था तो भी मैंने इसको छोड़ दिया और आए की ओर भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ढिंक चिका कर करके, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आए की ओर, तो गाइज यहाँ पर 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार करना होगा तभी जोन से बचा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार कर रहा हूँ, और आप लोग भी करते रहिए, क्या है कि बाबा जी की जय जयकार करने से गेम प्ले भी जीत जाता है और सारे चीज़ें काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको मैं रिपीट करके बोल के मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद फिर से जोन पीछा चल जाता है, तो मैं फिर से यहाँ पर इस दीवार को क्रॉस करता हूँ, जंप लाया तभी मुझे विक्टोरी मिल जाता है, तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा और चारों ओर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फैला दीजिएगा, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।